आभा। अरे कहाँ हो तुम आभा? अश्विनी ने रो रो के सारा घर सर पे उठा लिया। संभालो इसे। देखो ये खाई की बिस्कुट। भूख लगी आपको? तुम्हारे साथ ही चैन मिलता है। अच्छा रणछोड़ का आ गया। आओ भाई आओ। देखो तो बड़ा पिक्चर परफेक्ट था। किसी की नजर ना लगे। खाना खाओगे? हम अब इसे कुछ खिला के आते हैं। क्या खाओगे? दूध पियोगे? दूध? विद्या जी। दीदी बोलिए। अश्मी की दूध की बोतल लेकर आना और पहले बोतल को बॉईल करना। जी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। चलिए मैं तैयार हूं। ये क्या आज इतनी सिंपल सी साड़ी पहनोगी तुम? क्यों, आप ही तो कहते हैं कि मैं कोई भी साड़ी में अच्छी लगती हूँ। वो तो मैं ऐसे ही कहता हूँ। क्या? मजाक कर रहा था मैं। तो मुझे हर रूप में बहुत अच्छी लगती है प्रदीप। और देखो आज हमारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज उससे भी ज्यादा अच्छे लगो। आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी चूज करूंगा। ये हुई ना बात है? आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जी। नमस्ते नमस्ते। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अरे हमारी बिटिया कैसी है? आजा नानू पास। नानू पास आजा। नानू पास आजा। जो जो मिलो बच्चा। लाइट आप देखो मैं सबसे मिलवाता हूँ। ये देखो राघव नाना। वो देखो लता बुआ बुआ बुआ। ये देखो देखो नानी। Really? अरे बहुत मेहनत लगी है यार। शहर की टॉप डाइटिशियन की स्पेशल डाइट पे हूँ आजकल। मेरे हस्बैंड है। अच्छा। अरे आप तो कुछ भी नहीं पी रहे। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। नहीं थैंक यू कनिका जी, मन नहीं कर रहा। क्यों? मेरे हाथों से कुछ भी नहीं लेंगे आप? अच्छा ले लेते हैं। स्वीट बहुत लकी हो दामाद जी, इतनी अच्छी बीवी मिली है। अरे आपको पता है एक बार मैंने इसे ऐसे ही कह दिया था कि तुम अच्छी बीवी तो क्या, अच्छी बीवी की एक्टिंग भी नहीं कर सकती हो। और ये बेचारी इतनी सीरियस हो गई। इसने कितनी कोशिश करके देखी अच्छी बीवी बनने की। अब पीजिए ना और कुछ लाऊं। शैली क्या हुआ माँ? तुमसे कि अपनी बच्ची को इस लापरवाह के पास मत छोड़ा करो। माँ क्या हो गया अगर वो थोड़ी देर खेल लेगी तो? अब बेचारी का अपना बच्चा तो है नहीं। हम ये बात हजार बार कर चुके हैं। आप जानती हैं जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था।
उसमें इस बिचारी की क्या गलती? आपने कभी देखा ये किस कदर अपने बच्चे के लिए तरसती है? इतना कि इसकी ममता इसे अस्मी की ओर खींच ले जाती है। आपने कभी भी ये देखा है कि अस्मी किसके पास जाके चुप होती है? इसकी। क्यों? उसकी असली माँ को तो ये होश भी नहीं कि अस्मी ने खाना खाया है, नहीं खाया है, सोई है, जागी है, क्या हो रहा है उसके साथ? सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो तू बोल ना सर, बोल किस तरह आधी रात को अपनी बच्ची तू आभा के पास छोड़ जाती है ताकि तेरी ब्यूटी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, बोल। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वो गलत है। अगर ये गलतफहमियां बढ़ेंगी तो आप प्लीज अब देखना, एक लड़की ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी नहीं रोएगी। लेकिन वही घटिया बातें फिर से हुई और फट से रोने लगी। क्या करने का? सॉरी। क्या? सॉरी। मतलब मैं तुझे माफ करूं? नहीं, उसके लिए तो तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे करेंगे। अच्छा, यहाँ देख, वो स्माइल कहाँ रख दी तूने? अरे मैं मंगाता हूँ। राजू। चल। अरे नहीं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। मैं नीचे नीचे। अरे बाबा, माँ की बात का बुरा मत मान। तेरे को पता है ना वो नाराज है, संभल जाएंगे। चल। पहले हमें भी लगा था कि माँ नाराज है, पर उनकी नाराजगी धीरे धीरे नफरत में बदलती जा रही है। जाने क्यों उन्हें ऐसा लगता है जैसे जैसे हमने जानबूझकर अपने बच्चे की जान। देख, जो कुछ भी हो गया उसे अपन बदल तो नहीं सकते ना अभी, और माँ आज नहीं तो कल समझ जाएगी कि जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था। बेटा रणछोड़, तुम्हें विमल बुला रहा है। हाँ, वो आज किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए किसी को मिलना था। बेटा अब समय आ गया है, तुम उस विकल्प को चुनो। जो तुम्हारे लिए और रणछोड़ के लिए सही है। ये बहुत चाहता है आभा, ये बहुत चाहता है। मैं आ गया, ये बहुत चाहता है। मैं उस विकल्प को चुनूं, उस विकल्प को चुनूं जो तुम्हारे लिए और रणछोड़ तुम्हारे लिए और रणछोड़ तुम्हारे लिए और रणछोड़ तुम्हारे लिए। उसने अपनी जिंदगी छोड़, उसने अपनी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी जी ली, तुम्हारी जिंदगी जी ली, तुम्हारी जिंदगी जी ली। करण के नाम का मंगलसूत्र पहनना है।
उसके नाम का सिंदूर लगा के सजना है तो वो कर, लेकिन जो भी कर दिल से कर। मैं नहीं चाहता कि बेमने से तू कोई भी रिश्ते का फालतू में स्ट्रेस ले। ईश्वर हमें हमेशा संकेत देते रहते हैं कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, हमें वो चुनना है, कांटों के रास्तों पे चलना है या फूलों के। रणछोड़ की आंखों में तुम्हारे लिए जो हमने निस्वार्थ प्रेम देखा है ना, वो किस्मत से ही किसी को मिलता है बेटा। उसने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है। रणछोड़ जी चाय। सूरज कहाँ से निकला आज? आज पहली बार साथ में चाय। क्यों? हर बात कभी ना कभी पहली बार तो होती है ना। चाय अच्छी। आज हमारे साथ मंदिर चलेंगे? पता था कुछ तो है। पूछती है आप कुछ चलेंगे? बोल कब चलना? बस थोड़ी देर में। डन, चल मैं तैयार हूँ। ओके ये भी कोई शादी है रणछोड़ जी? ये शादी नहीं समझौता है। दुनिया के सामने हम पति पत्नी बनकर जिएंगे और सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। यही थी ना हमारी शर्त जो आपने आज तक निभाई। स्वार्थी होकर इस रिश्ते में हमने आपके सामने कितनी शर्तें रखी और आपने हर शर्त स्वीकार कर ली बिना कोई शिकायत की। इस रिश्ते में आपने सिर्फ दिया है। अरे तू क्या कह रही है ये सब यार? सच कह रहे हैं हम और हमें सच कहने दीजिए। करण के जाने के बाद हम बिल्कुल टूट चुके थे, हमारी जिंदगी बिखर चुकी थी। करण के जिंदा होने की उम्मीद से जिंदा है यही मान रहे थे, पर सच तो ये है हमें जिंदा रखने वाली ताकत आप थे। जब कोई उम्मीद नहीं थी तब आपने हमें संभाला। करण के जिंदा होने वाली बात पर जब पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी, हमें पागल समझ रही थी, तब आप ही तो थे जिन्हें हमारे विश्वास पर विश्वास रहा। इन 2 सालों में आपने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया और बदले में हमने आपको कुछ नहीं दिया। अब हमारी बारी है, अब हमें आपको वो हर खुशी देनी है जो आप। मैं बहुत खुश हूँ, जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा चल रहा है। नहीं, मैं, नहीं। तू अपने दर्शन खत्म कर और गाड़ी में आ प्लीज। रणछोड़ जी हमारे दिल से करण की यादें तो अब हमारे साथ ही जाएंगी।
लेकिन रणछोड़ जी, आज आपके नाम के इस मंगलसूत्र के साथ आपकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके प्यार को मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप जानती हैं आपने जो हमें पौधा दिया था वो कितना फल फूल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि हमारे करण जिंदा है। देखिए हमारी जिंदगी बुरी तरह उलझती जा रही है। हम नहीं चाहते कि हम कोई गलत फैसला करें। इस बार हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या मैं इसे सच बता दूं कि पिछली बार मैंने इसे झूठ कहा था और इसके माँ बाप और सास ससुर के कहने पर ही वो झूठ कहा था मैंने, ये भी बता दूं क्या? जरूर तुम्हें मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं देखने की कोशिश करूंगी करण कहां है और कैसा है। आपने बताइए ना। शायद ये भगवान की एक और परीक्षा है। वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं। शायद नियति का फैसला अभी पूरा नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, बस सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आप मुझे सुन पा रही है? आप सुन पा रही है ना मुझे? हाँ जी, मैं सुन सकती हूँ। हाँ, बोल सकता हूँ। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये आभा कौन है? आभा? हाँ, आभा वो शब्द है जिसके मायने मेरे लिए जिंदगी से कम नहीं।
आज अगर मैं जिंदा हूं तो वो आपकी मेहनत और आभा की दुआओं का असर है। आभा ही है जो जिसके लिए आज अगर ये करण इतने मुश्किल ऑपरेशंस के बाद बोल पा रहा है, आभा के बिना ये करण कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। करण, आपका नाम करण है? करण जगमोहन प्रसाद। क्या कर रहे हो? इधर संभालिए अपने आप को। क्या कर रहे थे आप? ठीक है? सॉरी, ना चाहते हुए भी आपका बहुत बड़ा गुनहगार बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दो साल कुछ कह नहीं पाया, लेकिन सब सुना मैंने, सब देखा आपने। दिन रात मेरी सेवा की, मुझे जरा सी चोट लगती आप खाना पीना सब छोड़ के बस मुझे देखने में लग जाती। मैं चाहे 10 जन्म ले लूं, मैं आपका कर्ज नहीं उतार पाऊं। ऐसा मत कहिए। आप पहले उठिए। मैं चल सकता हूँ? आप खड़े हो सकते और चल भी सकते हैं, और उसके लिए आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, आप मेरे लिए एक डॉक्टर से कई कई बढ़कर हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, जो डॉक्टर पेशेंट दोस्त पति पत्नी मां बाप सबसे कहीं बढ़कर होते हैं, कहीं ऊंचे होते हैं। नील बेटा, बेटा तुम ठीक हो गए? मैंने और अरुंधति ने भगवान से दिन रात प्रार्थना की कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। नील जिस दिन भी होश में आएगा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं उसी दिन तेरे रिश्ते की बात करूंगी उससे। माँ, इनका नाम नील नहीं करण है। माँ, आप इनसे ज्यादा बात मत कीजिए, ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। आप आइए मेरे साथ। आपकी आभा से बात हुई? आवाज सुनी मैंने उसकी, आज भी उसकी आवाज में सांसों में वही प्यार है जो बरसों पहले था। आपने उनसे कुछ नहीं कहा? नहीं,
मैं जानता हूं वो बहुत खुश होगी, बहुत इंतजार किया बेचारी ने। मैं वो खुशी उसके चेहरे पे देखना चाहता हूं अरुंधति जी, मैं उसे गले लगाना चाहता हूं, वहां जाके उसे सरप्राइज देना चाहता हूं। लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं वहां पे जो ये नहीं चाहते कि मैं और आभा मिले, इसीलिए मैं किसी को खबर नहीं देना चाहता कि मैं ठीक हूं और मैं आ रहा हूं अपनी आभा के पास। आप जानती हैं मेरा एक जुड़वा भाई बिल्कुल मेरे जैसा, मैंने उससे वादा लिया था कि वो मेरी आभा का, पापा का, मेरे परिवार का सबका ध्यान रखेगा। और आप देखना अरुंधति जी, उसने अपना वचन पूरी तरह निभाया होगा। प्यार, प्यार बहुत ही अजीब वर्ड था मेरे लिए, जब तक जिंदगी ने तुमसे नहीं मिला तब तक प्यार मुझे सिर्फ फिल्मों में, कहानियों में पता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई सबसे जैसे प्यार सा हो गया है। हर रिश्ता, हर बात, जज्बात सबसे प्यार हो गया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है। तुम्ही ने इस दिल को धड़कना सिखाया आप। प्यार बांटना क्या होता है, रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना क्या होता है, अब तो बस इस दिल की एक ही ख्वाहिश है, तुम जहां भी रहो खुश रहो बाबा, मुस्कुराती रहो। I love you. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।